नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए चैनल के साथ जुड़िए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, शारीरिक लक्षण को देखकर अनुमान लगाया जाता है कौन व्यक्ति लकी है, कौन व्यक्ति अनलक्की है। जी हाँ, सामुद्रिक शास्त्र में इसकी चर्चा हुई है और ये बताया जाता है कि शारीरिक लक्षण देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन धनवान है और कौन धनवान नहीं है। तो उसी में से कुछ लक्षणों के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र किसने लिखा है, ये तो मेरे ख्याल से आधे लोगों को पता ही होगा। सामुद्रिक शास्त्र की रचना कार्तिकेय जी ने की है। तो सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, जिन व्यक्तियों का सीना चौड़ा होता है, जिन व्यक्तियों की नाक लंबी होती है, जिन व्यक्तियों की नाभि गहरी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ये जो तीन लक्षण हैं ये लड़का लड़की दोनों के लिए बराबर माने गए हैं, ऐसे लोग बेहद धनवान होते हैं। ऐसे लोग कम उम्र में ही धनी हो जाते हैं। ऐसे लोग कम मेहनत से ही सफलता को हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को प्रसिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। ऐसे लोग बहुत लकी, बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो मैंने कुछ लक्षण के बारे में आपको इस वीडियो में बताया, जिसकी नाभि गहरी होती है, जिसका सीना चौड़ा होता है और जिसकी नाक लंबी होती है, ये तीन लक्षण जिसमें पाए जाते हैं बेहद ही लकी होते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।